शिक्षक साथियों नमस्कार। प्रशस्त ऐप में जो स्कूल की जीमेल आईडी लगनी है वह किस प्रकार से पता करें, क्या जीमेल आईडी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल में जाएंगे और गूगल में पहुंचने के बाद आपको सर्च करना है यू डाइस। यहां लिखेंगे यू डाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व होंगी। यू डाइस लिखने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो आपको यू डाइस प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको चाहें तो डेस्कटॉप साइड लिखा है इस पर भी क्लिक करके डेस्कटॉप साइड से कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, तो इस पर आपको जो नीले रंग से दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इधर लिखा है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपको यूज़र नेम में अपना स्कूल का डाइस कोड डालना है और पासवर्ड आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए जो आपका मोबाइल नंबर इसमें पहले से दर्ज है उस पर पासवर्ड आपको आ जाएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना डाइस कोड डालें, यहाँ पर पासवर्ड डालें और पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चर कोड यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए पासवर्ड हमने डाला, जो भी हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद जो नीचे कैप्चर कोड लिखा है 5D71E9, तो इसको हमें लिखना है। तो आइए लिखते हैं। जब हम इसको लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से लिखना है, यदि हमारे समझ में नहीं आता है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही कैप्चर कोड डाला और लॉगिन बटन जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपका स्कूल का नाम, डाइस कोड, कैटेगरी वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो आप फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको फैसिलिटी एंड प्रोफाइल दोनों जो ऑप्शन मिलेगा, फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको स्कूल की डिटेल यहां पर आपको पूरी मिल जाएगी। लेकिन आपको क्लिक कहां करना है, 1.12 इसमें ऊपर लिखा है, इसमें आप डिटेल देख सकते हैं पूरी, और लेकिन यहाँ पर क्लिक करना है 1.12 1.17। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो ऊपर नंबर डले हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरा एक इंटरफेस, आपकी स्कूल से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ लिखा क्लिक है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको फिर से यहाँ पर वही डाइस कोड और पासवर्ड और कैप्चर कोड यहाँ पर फिर से वही आपको लिखना है। आप यहां पर लिखेंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आप इस प्रकार से फिर से लॉगिन हो जाएंगे और पूरी जानकारी आपकी यहां पर आ जाएगी। अब आपको ये 3 डॉट ऊपर दिख रही हैं उस पर क्लिक करना है, उससे अब आपको पूरा आपको जो आपका जीमेल है स्कूल का वह प्राप्त होगा। ये तो आपकी जानकारी है, इस पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है होम, माई प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके इस प्रकार से पूरा आपका डाइस कोड, स्कूल का नाम, कैटेगरी वगैरह, ब्लॉग वगैरह सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। हमने थोड़ा सा छुपा के रखा। यहां पर एक एडिट का बटन है जो पीले कलर में दिख रहा है, आपको यहां से एडिट कर सकते हैं। यदि आपको एडिट नहीं करना है, देखिए इस प्रकार से आप बगल में आएंगे थोड़ा सा, आपको ये लिखा है ईमेल, स्कूल का पूरा आपका डाइस कोड से बना होता है और ईमेल लिखा है, इसको आपको एडिट करके यहाँ पर सही आईडी भर सकते हैं, या फिर बीआरसी के द्वारा, बीआरसी ऑफिस के द्वारा आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर सही जानकारी, सही जीमेल भरवा सकते हैं, या जज शिक्षक के द्वारा संपर्क करके बीआरसी ऑफिस की लॉगिन से यहाँ पर सही जीमेल भर सकते हैं। उसके बाद सही जीमेल भरने के बाद आपको प्रशस्त ऐप पर आना होगा, या फिर आप सही जीमेल जो भर गए हैं यहाँ पर उस जीमेल को आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना जीमेल यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो जो स्कूल का जीमेल है। आप स्कूल का जीमेल अगर आपने लॉगिन कर लिया है यहाँ पर, तो आप प्रशस्त ऐप पर पहुँचेंगे। प्रशस्त ऐप पर वही प्रक्रिया है जो हम पहले आपको आपके अपने वीडियो में बता चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, 3 ऑप्शन आएगा, आप रजिस्टर विथ ईमेल पर OTP के माध्यम से इस पर कर सकते हैं। इस पर आपको अपना स्कूल का जीमेल लिखना है और इस पर जो जीमेल आपने लॉगिन किया है उस पर आपको OTP मिल जाएगी, और यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसके द्वारा आप सीधा लॉगिन कर जाएंगे और आप सभी शिक्षक साथियों को वेरीफाई फिर कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के बाद अपना सर्वे कार्य जो होना है उसको आप पूरा कर सकते हैं।
इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।